साइरन बज जाओ, वो रिकॉर्डिंग परेशान करता हूँ। और कितना बदमाशी बदमाशी चला इतना दिन तक, मेरा क्लास नहीं है। क्या क्या बदमाशी किया ये बताओ। और कुछ भी बदमाशी क्या नहीं किया बोल दोगे, झूठ बुरा। आदि आदि यस मैम। सबसे बदमाश क्या बदमाशी कर रहा है, इतना दिन मेरे कुछ क्लास भी में नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो असंभव काम है। झूठ बोलने से क्या फायदा, मुझे तो पता है। हाँ थोड़ी बहुत की तो फिर थी। क्या करा, ये तो मैं पूछ रही हूँ। मेरे को बोला कि तुमने बड़ा वो गुनाह कर लिया, देश को बेच दिया, ऐसा कुछ करा होगा। नो मैम, ऐसा नहीं कुछ ऐसा भी तो नहीं कर नहीं किया। सकते, तुम्हारी हिम्मत की बात है। फिर करा क्या, मैम मस्ती। वो फिर क्या है ऐसे डिटेल से बताने का। एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन क्वेश्चन पूछा गया है। मैम दीदी और मम्मी को परेशान किया, भाइयों जैसे वो के साथ खेला। मैम खेलना वाला तो ठीक है, खाना नहीं खा रहे थे क्या, वो लोग मना रहे थे तुमको कब खाना था। फैमिली फैमिली के साथ के मैंने टाइम नो टाइम मैम खाया ना, फैमिली स्पेंड तो थोड़ा बहुत करा ना। अच्छा है, खाली हम ही को कर रहे हैं परेशान। शुभ्रा टेनिस के अलावा क्या सीखा। किया। मैम माइंड मैप बनाना। माइंड मैप, यस मैम, माइंड मैप क्या होता है, फ्लो चार्ट जैसा। वो किसने बताया तुमको ऐसा बनाओ। इंग्लिश में बनाया था मैंने। इंग्लिश वाला हमको कोई मतलब नहीं है, हम नहीं पढ़े, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। बस ये सब चला, खट्टी दही नहीं खाई। नो तू तो खाती, तेरे को बहुत मैम, मैं सोच रही हूँ आगे से दही, अगर 2 दिन से तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, तो आ गई आवे आएगी खट्टी दही। खट्टा खाना अच्छा है पता है, ज्यादा खट्टी दही खाना अच्छा नहीं है। और खट्टा चीज खाना विटामिन सी वेरी गुड फॉर हेल्थ। बाल नहीं पकेगा, मुझे सब पूछते हैं आप क्या बहुत ज्यादा विटामिन सी खाते हैं, मतलब मैं खट्टे के अलावा कुछ खाती नहीं हूँ। मुझे खट्टा चीज बहुत पसंद है, लोगों को नहीं पसंद है। मुझे खट्टा, मिर्चा और नमक तीन चीज। खट्टा खाओगे ना बाल नहीं पकेगा और चेहरा चिकना रहेगा, एकदम यंग रहोगे। पसंद है ना खट्टे चीज, विटामिन यस सी। मैम। हाँ खाना जरूरी है। चलिए आज पढ़ते हैं, ओंकारम हो गया, थोड़ा पढ़ते थोड़ा बादल तो दिखा रहा है और गर्मी के मारे प्राण ले रहा है। ऐसा लगता है तुम लोगों के पास एसी है, मैं भी चला के बैठ जाऊं। प्रेजेंटेशन मैम प्रेजेंटेशन। अभी थोड़ी, एग्जाम का आया है तो प्रेजेंटेशन अभी नहीं देखना, सर बोलेंगे तो अभी तैयारी करके रखो परफेक्ट। समझ में आ रहा है बेटा, जल्दबाजी में कोई गलत चीज नहीं बना देना। मैं 0 भी दे सकती हूँ, मैम नवंबर आपने कहा में। था 98 को। मैंने कुछ नहीं बोला है, अपने मन से रहने का। तू संगमित्रा मैडम अपने आप को समझती है ना, कुछ बोल देती है। मैंने बोला नवंबर में टेस्ट है, अभी से दिया रखा है, बनाओ अपना पीपीटी। सानू जाटव सिंह और मूछ लगा के क्यों बैठी है तू। सानू जाटव पागल इंसान है, वो कैसे बैठी है। चलो पढ़े क्या, लास्ट चैप्टर लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। नहीं शायद एक और है ना, देख लो। नो मैम, 9th चैप्टर। हाँ जी सर, एक और है।
life in the temperate grasslands. Just as a forest can be defined as the place, आज सुबह ही मैं देख रही थी survival class है इसका discovery में, बोत्सवाना में, साउथ अफ्रीका में, इतना ग्रास है वहां पे, लायन ही लायन, एलिफेंट ही एलिफेंट, और पानी जाओ ना ओकावंगा में रिवर, उसका जो ओकावंगा रिवर का जो वैली है उसमें पानी भी है, उसमें उसमें बड़ा बड़ा हिप्पो, बड़ा बड़ा क्रोकोडाइल, बड़ा बड़ा स्नेक, बाप रे क्या क्या था। जस्ट एज द फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, grassland can be defined as a region where grasses form the dominant type of plant life. वहाँ पे जितने भी प्लांट है सबसे डोमिनेटिंग क्या है, ग्रास है। पानी के अंदर सूखे ग्रास कुछ भी, अपना पीपीटी कुछ भी नहीं दिखाना, ऐसे कुछ भी करना मत, ट्राई टू डू इट बेटर बेटर बेटर। अभी तो दो तीन दिन छुट्टी तुमको मिल जाएगा सर, फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन मिलेगा और क्या, 25 तारीख संडे है, 25 तारीख दशहरा है, मंडे से फिर क्लास चलो। ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन, तुम लोग देखा क्या भगवान को दर्शन किया माँ को, तुम्हारा घर से बाहर निकलते कि नहीं शाम को? नो मैम नहीं। तो भैया कल मैं गई थी, कल माँ को दर्शन करके आई वहां मंदिर में, घर के सामने मंदिर है, कोई नहीं है, चुपचाप निकल जाओ, प्रणाम करो, आ जाओ, ये दुर्गा मैया है, ऐसी कोई खेलने की बात नहीं है, इनका दर्शन करना बहुत जरूरी है। मेरा बात था, मम्मी को पूछ के जाना, अपने आप मत जाना मेरे कहने पे, ठीक है? घर में तो तुम्हारे मम्मी व्रत रखती है ना? यस मैम। तो फिर क्या पूजा करी, भगवान का फोटो नहीं है? दुर्गा मैया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, माता की शक्ति की पूजा है ये। मैं तो कल गई थी, फिर जाऊंगी और एक दिन टाइम मिलेगा तो शाम को निकल जाऊंगी। और तुम लोग बच्चा लोग मम्मी के लिए साथ जाना, राघव और साडा बहुत बहुत ज्यादा में पूजा का आयोजन किया गया, मैंने देखा, दर्शन तो गेल नहीं करा। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हियर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सोइल आर लाइक, एज क्लाइमेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। It is generally used as a basis of divide the dwarf grasslands into two broad categories, those that occur in the temperate region and those that occur in the tropical region, the prairies. The temperate grasslands of North America are known as the prairies. So North America ka grassland ka naam kya hai? वर्ल्ड देखना आगे आएगा नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज। देखो कितना घास है, जंगली घास है, इस पार्टी खाता है बहुत ज्यादा, और इसके अंदर चीता शेर सब रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं इसमें, चीता देती है और आईना आता है खाने के लिए, यही तो देखा मैंने ग्रासलैंड में। नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज, व्हिच इज अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड, मोस्ट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ प्रेरीज आर ट्रीलेस, बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स कैंकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड, टॉल ग्रास up to 2 meters high dominates the landscape, 2 meters, ek sari kitna meter ka hai, 5, aur ghas kitna lamba hai, 2 meters, baat batao to 2 meter aur kitna lamba hai ghas, haathi isko gol 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 sund mein karke kha leta bol bana, it is actually a sea of grass, ek samudra hai, grass ka ek samudra hai, ghason ka दूर दूर तो कैसे लहर चलता, हवा चलता ना तो घास में ऐसे लहर जैसा होता है। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यू कैन सी दैट द प्रेरीज कवर पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा।
In the USA, the area is drained by the tributaries of Mississippi, and the Canadian prairies are drained by the tributaries of Saskatchewan River. This is a nadi. अफ्रीका में है ओरेंज लिम्पोपो और ऑरेंज रिवर. चाइना में है येलो रिवर वांगो उसका नाम. अभी अफ्रीका पहुंच फिर अफ्रीका में पढ़ेंगे. डू यू नो द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज वेयर द होम ऑफ अमेरिकन इंडियंस. उसको रेड इंडियंस ही बोलते. देखो कोलंबस जा रहा था मैं डिस्कवर डिस्कवर अमेरिका बट ही वॉज गोइंग टू और इंडिया जा रहा था. इंडिया जाते जाते चला गया वहां पे अमेरिका में. उसको पता नहीं वहां पे जो लोग थे एबोरिजिन्स उनको वो आदिवासी उनको बोलने लगा कि इंडियन थे रेड इंडियन. तो दे आर ब्लैक इन कलर. देखो ब्लैक फुट उनका नाम नहीं. पॉपुलरली नोन एज ब्लैक फुट इंडियंस. इसको यूज नहीं किया जाता. ये आप यू कैनॉट यूज एनी मोर. अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो मैं आपको जीरो दे दूंगी. The prairies were homes of other tribes also, like the Apache, the Crow, the Cree, and the Pawnee. What is the name? See, do you know Chinook? It's a hot wind that blows in winter, and hot wind that blows in the winter, and therefore raises the temperature in the short time. In a short time, this increase in temperature results in the melting of snow. Melting of snow. Making for pasture land available for grazing of animals. किसकी वजह से ऐसा क्लाइमेट होता हुआ. Which ocean current makes the climate of that place like this? There is the which ocean current? कान पकड़ लो सब लोग. मैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस. यू कुड नॉट से दिस. व्हिच ओशन करंट्स मेक्स द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका लाइक दिस. तो आप लोग दोनों हाथ ऊपर करो सब लोग इन द स्क्रीन. जो लोग पीछे हट जा रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू देम एनी वे वेदर इट इज चित्रांकि और उसे. रेज योर बोथ हैंड्स अप. दिस इज द पनिशमेंट व्हेन यू कैन नॉट आंसर. बताया हुआ चीज सुबरा काय को रखना है लंबा. मैं स्नैप तो ले लू. ये मेरा दोस्त बहुत अच्छे स्टूडेंट. हाथ ऊपर करो सब. व्हिच ओशन करंट. इट इज द वार्म ओशन करंट. याद आया. हाथ नीचे कर लो. अब मैंने आंसर बता दिया फिर तू पर. एग्रीड और डिसएग्रीड. एग्रीड और डिसएग्रीड. शुभ्रा जी गलती करने पर तुम्हारा रिफंड मिलेगा ना. ऐसा थोड़ी. हाँ इतना लंबा टाइम नहीं लगाना. हमने इसको पहले पढ़ा दिया इसीलिए मैं पूछ रही हूँ. पर ये कुछ ज्यादा ही है. ज्यादा है. चिनुक. हॉट विंड का नाम क्या है? चिनुक. व्हाई इज ओनली सुब्रा इज आंसरिंग. अभी लेफ्ट द मीटिंग लिख के गया हूँ. उसका रिकॉर्ड हो रहा है. इतने मिनट रहा क्लास को इतना मिनट गया. चित्रांशी आंसर नहीं देना है ना. हॉट विंड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉट विंड दैट ब्लो इन द विंटर? चिनुक. आपको बोलना नहीं आता. कैमरा के पीछे जब मैं फोन कर रही थी बेटा पेपर नहीं आया तो कैसे बोल रही थी. ऐसे बोला करो जोर से. जो देखो एक बात सुन लो अच्छी तरह से. जो पढ़ाई करता है उसके साथ मेरा रिश्ता है. जो नहीं पढ़ाई करता उसके साथ रिश्ता नहीं. जो सब पीछे बैठे हैं ना इन लोगों के साथ मेरा कोई मतलब नहीं. तुम आई हो तुम्हारे साथ. ये बचपन का फोटो नहीं चलाना. अच्छी बात है ऐसे बैठक. सुनो इसमें से क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको. कभी भी गूगल फॉर्म में आ सकता है. अगर तुमने आज से यूपी में स्कूल खुल गया आज तो अपना भी खुलेगा. नाउ क्लाइमेट बिलोंग लोकेटेड. मैं थोड़ा पानी पीऊँ. मेरे गले में बहुत सूख रहा है. इतना गर्मी हो रहा है भगवान. इट इज नोन एज अक्टूबर हीट. पढ़ने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं पता है.
आता नहीं आता, मैंने अभी देखा जो बच्चे डाउट क्लियरिंग क्लास में आ रहे, कितना इंप्रूव कर रहे हो लोग पढ़ के। वो भी पढ़ते हैं, मैं भी काम देके मैं बैठती हूँ, कुछ काम करती हूँ, फिर उनसे काम लेती हूँ। बींग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, द क्लाइमेट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स इन विंटर इट इज वेरी कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड इन समर इट इज एक्सट्रीमली वार्म। नहीं है, हॉट है। वार्म तो कंफर्टेबल है, हॉट वाटर में नहा सकते हो तुम, तो ठंडा पानी। वार्म वाटर में नहाते ना, ल्यूक वार्म वाटर में। थोड़ा जब सर्दी ज्यादा बढ़ जाते हैं, थोड़ा गर्म गर्म पानी में नहाने का मजा आता है, तब तो हम गाना गाते हैं, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। आए मजा आए ना आए सो गाना चाहिए, है कि नहीं। थोड़ा ज्यादा ज्यादा सर्दी में मैं तो बहुत गर्म गर्म पानी नहाती रहती, मन करता है नहाते जाओ नहाते जाओ। ये भाई हॉट वाटर में बाकी टाइम में नहाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। टेम्परेचर्स, द समर्स आर वार्म विथ अ टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन विंटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज बीन रिकॉर्डेड इन विनिपेग कनाडा। कनाडा में विनिपेग मैप क्वेश्चन, इन विंटर अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन। थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो मतलब मोटा स्नो का जो लेयर है, बहुत मोटा थिक। द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट, मॉडरेट मतलब ज्यादा नहीं कम नहीं। फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर ए लोकल विंड चिनुक ब्लोज हियर। हमने पढ़ लिया पहले चिनुक के बारे में, बहुत गर्म चिनुक की जगह हॉट विंड और कोल्ड विंड। हाथ उठाओ ना, हॉट विंड नहीं बोलना है लड़का, पूरे लोग को मैंने हाथ उठाओ बोला था, अभी क्या बोल दिया, फिर हाथ का उठा रही। आदिम तुम कहाँ गए थे, आदिम? यस मैम। कहाँ गए थे मैम? उधर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। उसमें लिख दिया आदिम अहमद पठान लेफ्ट द मीटिंग, तुम्हारी रिकॉर्ड हो गई, इतना टाइम मिस हो गया तुम्हारा। तो कंप्यूटर समझेगा, उसके पास ब्रेन है, जो फिट कर दो वही करता है ना। एंड व्हेन डज इट ब्लो चिनुक, इन व्हिच सीजन इट इज ब्लोइंग? विंटर, विंटर, विंटर। एंड द विंड इज हॉट, हॉट। हॉट शब्द का बहुत ज्यादा होता है वो, हॉट सीट। कहाँ बैठते हॉट सीट? अमिताभ बच्चन के सामने, कौन बनेगा करोड़पति में। और हॉट मतलब और वैसे हॉट वाटर, हॉट वेदर। अगर तुम ज्यादा खतरनाक मिर्ची खा लिया तो बोलोगे ओह इट्स वेरी हॉट, गिव मी सम वाटर, हॉट 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 हॉट, आई वॉन्ट सम वाटर, गिव मी दिस चिली इज वेरी हॉट। ट्रीलेस, वेयर वाटर इज अवेलेबल ट्रीज सच एज विलो। विलो ट्री में कौन क्या बनता है पता है तुम लोगों? क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट बनता है विलो, ऑस्ट्रेलिया में भी है। विलोज ऑलिडर्स एंड पॉपुलर ग्रो प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज द सॉइल इज फर्टाइल। दो ए मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज मेज, क्या है? भुट्टा। अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग पोटैटोस, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फाल्फा इज ऑल्सो ग्रोन। अल्फाल्फा यू नो इट्स होम्योपैथिक मेडिसिन, टॉनिक है, मैंने भी खा रखा है। ग्रास है, ग्रास वेरी न्यूट्रिशियस ग्रास। अगर किसी बंदे को भूख, कोई है जिसको भूख नहीं लगता हो तुम्हारे क्लास में, खाना देख के उसको चिड़चिड़ मचता, नहीं मुझे नहीं खाना, मेरे को भूख नहीं लगी, तो उसको अल्फाल्फा ग्रास, अल्फाल्फा टॉनिक देते हैं पिलाने। और कुछ लोगों को हरदम भूख ही लगा रहता, जैसे मुझे बचपन में लगा रहता था, और कुछ नहीं लगता खाली भूख ही लगता था।
मैंने आज तक अभी तो मना करती हूँ मैं खाने के लिए, नहीं मुझे नहीं खाना। उस टाइम पे जैसे तुम्हारे जैसा थी ना, और छोटी थी तो पूछ दिया किसी भी घर में बैठ सकती हूँ खाने के लिए, क्योंकि जिस दिन कुछ नहीं मिलता अच्छा खाने में इमली के पत्ते और नमक खाती थी, पैसे तोड़ के खा लिया नमक दे, ऐसा था। बहुत खुश हुई से मैं, जैसे ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है पर बचपन में खाते थे हम लोग। अल्फा अल्फा इज न्यूट्रिशियस ग्रास है, उसकी जो बनता है टॉनिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इज ऑल्सो ग्रोन ग्रोन एरिया, इसीलिए काउ लोग उसको खा के मोटा हो जाता है, दूध देता ज्यादा। वो तो बीफ एनिमल भी है ना, वो लोग खाते भी है। एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी लिटिल और अनरिलायबल, मतलब अनरिलायबल मतलब हुआ नहीं हुआ, कोई कोई ठीक ठाक नहीं है। ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पेस, छोटे छोटे घास और बहुत कम होता है, इधर उधर कहीं होता नहीं, तो नहीं होता है। दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग, लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज। काउबॉय का नाम सुना है तुम लोगों ने? एमा एक भी बॉय नहीं है स्क्रीन में? यस मैम। ये मोहम्मद भी चला गया था। राघव तेरे साथ बात ही नहीं करी, तू मुझसे बात नहीं करना, बहुत ही बेकार लड़का। कहाँ है तू, कहाँ है, सही में कहाँ है? हर्ष भी नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी विद हर्ष आल्सो, हर्ष हैज अडॉप्टेड अ रॉन्ग पाथ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू द बॉय। एक आदित्य था उससे भी बंद करना पड़ेगा, आदित्य बी केयरफुल। मैंने अभी बोला तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता है पढ़ने पढ़ाने का, खाली गप्पे मानेंगे, तुम अगर पढ़ो तुम अच्छा हो तो तुम्हारे साथ मेरा दोस्ती रहेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई दोस्ती नहीं। तुम कौन मैं कौन पहचानोगी नहीं, बाइसन और द अमेरिकन बफेलो जंगली भैंसा, ये खड़ा है देखो उसके गले के पास कितना मोटा मोटा चारा तक रहा है। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन, इट नियरली वो तो दिखाता है अफ्रीका में दिखाता है इस जानवर को, हमारे गाना है उड़ा रहे हैं लोग। इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट इंडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड इज नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, अभी कोई नहीं मारता इसको, इसको सरकार ने दे दिया प्रोटेक्शन एंड इज नाउ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। द अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट्स, क्वेटोस, गोफर्स एंड प्रे। प्रेरी भी एक है, प्रेरी डॉग किसको बोलते पता है? ओ खरगोश को, खरगोश जैसा दूसरा है, गिलहरी जैसा बड़ा है, उसको प्रेरी डॉग्स बोलते हैं। पता नहीं उन लोगों का भाषा कैसे, डॉग वो कुत्ता नहीं है, टुआई है। नाउ द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, काउबॉयज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है काउबॉयज। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस्ड technology to utilize their rich natural resources. Two of the most developed countries in the world, the USA and Canada, are located in this region. Developing countries mein do country ka naam ko abhi bataya gaya, what are they? World mein there are, yes, maine usko dekh liya, Subhra ko dekh liya, she will tell. Maine bola hai, haath uthao, raise your hand. ऐसे सारे लोग जंगली जैसा बन के नहीं बोला, ये सुबह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, दिस टू आर द वर्ल्ड एज डेवलपिंग कंट्री, एज डेवलपिंग कंट्री इंडिया, डेवलप्ड कंट्री दैट इज यूएस एंड कनाडा, देयर आर अदर्स बट देन दिस टू वी हैव स्टडीड। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड कंबाइंस, combines means one who does everything, has made North America a machine which can sow, plow and work as thresher all by itself. That is called a combine. Photo liya hai. America is surplus food produce. The prairies are known as the granaries of the world. World ka granary hai. Granary jaante sasyagar. जहाँ सस्य रखते हैं तो ये गोला क्या बोलते हैं, गल्ले, गल्ले राघवगढ़ की भाषा गल्ला, ये है ग्रेन, ग्रेनरीज वर्ल्ड का ग्रेनरी, सरप्लस व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, बास्केट छोटा हुआ इसलिए ग्रेनरी लिख दिया।
The prairies are known as the granaries of the world due to the huge surplus of wheat production. और इनकी हुईट इतना वन मैंने इनका हुईट का रोटी खाया है एकदम सिल्क जैसा एकदम नरम मुलायम दूध में डालो एकदम घुल जाता है 7 रोटी एक सिटिंग में खाया था मैंने जिंदगी में कैसे आया था हमारे देश में आया था गरीबों के लिए जो केयर फूड आता था वो केयर फूड में केटल वाला के जो जानवर खाते हैं वो वाला गेहूं का आटा आया था एकदम बहुत बहुत ही प्लेन उसमें कुछ आटा खुदड़ा नहीं था मोटी नहीं एकदम टालकम पाउडर जैसा टेस्ट भी तो मुझे मुझे याद नहीं टेस्ट पर मुंह पर डालते ही गल गया मुझे ओडिशा में थी उस स्कूल में बड़ा गरीब स्कूल था जिन जो लोगों ने स्कूल खोला था उनके यहाँ आया था क्योंकि उनकी जो आंटी थी वो पंचायत में काम करती थी तो उनसे आकर लाई थी देती गई मैं खाती गई देती में 2 रोटी देती मैं नहीं खा सकती खुद का ही बनाया और वो लोग बनाए थे मैं तो खा ही लिया था और मुझे और भी भूख लगता रहा पर मांगी नहीं इतना शर्म लगा मुझे दूसरे लोग क्या खाई ओके डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री द डेयरी वेल्ड एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रोमोट setting up a food processing industry setting up a food processing industry large mineral deposits particularly coal and iron and a good network of roads railways and canals in this region have made it the most industrialized region in the world yahan par bahut important cities in the USA are chicago minneapolis indianapolis Kansas and Denver. In Canadian, Canadian, Canada अलग कंट्री कैनेडिया कैनेडा जो है कैनेडा जो है वो यूएस के ऊपर वाला हिस्सा है पिंक कलर होगा इसे यूजुअली ऑक्सफोर्ड में पिंक कलर यूज करता है अभी तुम्हारे मैथ में कौन सा कलर यूज किया मुझे नहीं मन पहले कैनेडा उसके बाद यूएस के बीच में मेक्सिको सिटी देन साउथ अमेरिका लार्ज देखो मैं मैप खोल के देखो अभी तुरंत देखो जो मैंने बोला वो सही है क्या यू कैन जस्ट चेक योर मैप एटलास चेक करो अभी मैंने बोला कनाडा पहले पहले तो ऑक्सफोर्ड एटलास में पिंक कलर यूज करता था फिर यूएस यूएस का कलर याद नहीं फिर मेक्सिको सिटी इन बिटवीन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका जस्ट चेक योर एटलास मैं थोड़ा सबको पानी पी दूँ Is that correct, Subhra? Mila, at last. Mila. America, Mila. World map, देखो ना, सब मिल जाएगा पूरा. World map खोलो, सारा कुछ एक साथ मिलेगा नहीं तो Canada अलग मिलेगा, US अलग मिलेगा, North America अलग मिलेगा. मैम यस पहले क्या है पहले कनाडा आया है वर्ल्ड मैप खोलो तभी मिलेगा तुमको इन सब एक साथ मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है जनरल मुझे मालूम है तू देख ये कौन सा कौन सा सीधा दिखा रहा है तू ये वर्ल्ड मैप है मुझे चश्मा में इतना छोटा चीज नहीं दिख रहा है शुभ्रा मिला शुभ्रा जैनुन तो कहां जा रहे है वर्ल्ड मैप निकाल अरे लास्ट में वो वर्ल्ड मैप देखो राउंड था यही 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 था कहां चले गए थे तुम पूरा तो दिखाओ कहां दिखा रहा है ये देखो ऊपर देखो ये देखो कारण है अरे तुम फिर से पेज पलट लिया इसको नीचे करो इसको नीचे ये ऊपर वाला सही है कनाडा पहले है कि नहीं
गलत हो ही नहीं सकता। मुझे याद है पूरा, मैप पूरा वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप पूरा याद है मुझे। हिला रहा है बहुत ज्यादा। ऋषिका तुम्हारा मैप दिखाओ, कैमरा में दिखाओ ना। तो है यस मैम। शुभ्रा, क्या मिला तुमको जो मैं कह रही थी, वो मिला कि अलग मिला? मैम पहले कनाडा, फिर यूएसए। अच्छा हाँ, फिर मेक्सिको सिटी है और फिर साउथ अमेरिका है, करेक्ट? यस मैम। आई एम ऑलवेज करेक्ट। तुम लोग सब कुछ देखते नहीं हो, जानते नहीं हो। चलो, यही तो मैंने बोला था, मुझे पूरा याद है भाई, मेरा आंखों के सामने मैप है। चर्च का पूरा अलग अलग मालूम नहीं है, ईस्ट वेस्ट खाली, एक्सट्रीम ईस्ट एक्सट्रीम वेस्ट में मालूम है। बोस्टन इन बोस्टन, न्यूयॉर्क, सब ये सब अलग है। राय ईस्ट ईस्ट में, और वेस्ट में कैलिफोर्निया है, नासा है, सब है। चलो, जब पढ़ने बैठा तो एटलास पास में रख के बैठा। हम पढ़ रहे थे डेयरी फार्मिंग। एक तो फार्मिंग हो गया एग्रीकल्चर, व्हीट व्हीट उगाना, व्हीट फार्मिंग। इज अनदर मेजर इंडस्ट्री द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स। चश्मा अगर दिखेगा नहीं तो फिर क्या मतलब, अंधा होकर रहेगा आदमी। इन द डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स, पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन एंड ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज एंड कैनाल इन दिस रीजन मेड इट द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज रीजन इन द वर्ल्ड। नाउ द वेल्स, आ जाओ अफ्रीका में, अफ्रीका खोल के रखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट ओपन, अफ्रीका पूरे स्क्रीन में दो ही बच्चे दिख रहे हैं मुझे पास, एक ऋषिका ऊपर, एक वो है सुब्रा नीचे। रेणुका तुम्हारे तो आना जाना लगा रहता है, तुम्हारा क्या, तुम्हारा कुछ सक्सेस नहीं है। चश्मा हो गया, नया बनाना पड़ेगा। अमित तू पढ़ रहा है कि सो रहा है? मैम था तुझे कंघी करने का टाइम नहीं है? देख संगी भैया कितना पढ़ता था, अच्छा तो वो भी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया और तुम यहीं बैठ गए हो। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना आगे? कैसे मैं पढ़ना है। कंघी कर पहले? लोग लोग लो बोलेंगे भाई ये इंजीनियर साहब अनिल सिंह कैसा है, कुछ कपड़ा पहनना नहीं आता उसको। चलो अफ्रीका खोल लिया बेटा, हाँ ना तो बोलो। चुप यस रहा, मैम। चुप बैठी रहती, कुछ हाँ ना तो बोल। तो यस मैम। 100 घंटे बाद का तू यस मैडम बोल रही। द टेम्परेचर टेम्परेट ग्रासलैंड, द वर्ल्ड नेम वाज गिवन बाय द डच सेटलर। डच मतलब पीपल ऑफ, डच सेटलर मतलब पीपल ऑफ हॉलैंड, दे स्पीक डच लैंग्वेज, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डच। गिवन बाय द डच सेटलर्स बिफोर साउथ अमेरिका, अफ्रीका वॉज कॉलोनाइज बाई द ब्रिटिश। क्योंकि डच है ना, मेरा जो दिल्ली में स्कूल था ना मेरा अंबिका, उसकी प्रिंसिपल मेरे टाइम पे थी डच, नेल्सन दीदी, और नेल्सन शी वॉज डच प्रिंसिपल थी, मैं वहाँ काम, उनसे काम सीखा था। द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द वेल्स। अमेरिका के ग्रास लैंड आर कॉल्ड वेल्स। प्रेरीज, अभी तो पढ़ा प्रेरीज, और देर नहीं होनी चाहिए ऐसा, देर नहीं होना चाहिए आंसर देने में। और अफ्रीका का वेल्स क्या है? वेल याद रहेगा किसी का, तुम बोलना चाहती बोलती नहीं है। वेल्स आर रोलिंग प्लेटो, रोलिंग प्लेटो मतलब ऐसा, ये रोलिंग, आप कैसे रोल करते जब कभी ऐसे लुढ़कते हो? बचपन में रोलिंग करा है? अभी कौन से बूढ़े हो गए तुम लोग, करा कि नहीं करा? अरे ये जो सुब्रा है ना, मैम की है। वो श्रेया के साथ, क्या नाम है उसका,
बतख किया उसके साथ भूत करा होगा, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, रोलिंग विथ वेरिंग हाइट्स रैंगिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर। ये तो खतरनाक बहुत ऊंचा है। इट इज बाउंड बाई द ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स। कौन सा माउंटेन? रेकेनबर्ग माउंटेन। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन याद रखना है अफ्रीका में। और अमेरिका में कौन सा था? रॉकी माउंटेन्स। क्या था? रॉकी माउंटेन। कुछ लोग उसका नाम उन लड़कों का नाम रखते रॉकी। हाय रॉकी, फिर वैसे ऐसा करके आता है विलेन टाइप रॉकी। और इधर ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट टू इट्स वेस्ट लाइज द कालाहारी डिजर्ट। डेजर्ट देखो, कालाहारी डेजर्ट फिजिकल मैप है। अफ्रीका की फिजिकल मैप में देखो, एक साइड में फिजिकल एक साइड में पॉलिटिकल होगा मैप। तुम्हारा तुम्हारी एटलास किधर है तो उसको देखो, काय को नीचा कर ऐसे बुक के नीचे रखो खोल के। इतनी बड़ी बड़ी में नॉर्थ में कालाहारी डेजर्ट देखो, नॉर्थ में सहारा फिर कालाहारी दिख रहा है क्या? यस मैम। इतना लेट देख रहे हो तुम लोग, तुम लोग बड़े लेट लतीफ आदमी हो भाई, तो जल्दी जल्दी करो। ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्स आर लोकेटेड दैट अटेन ए हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर इन सम प्लेसेस। लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय द वेल्स। बुक में भी दिया हुआ अफ्रीका, देयर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो। बताया था मैंने पहले, बताया था भाई? हाँ ना। यस मैम बताया था कि हाँ ही तुम लोगों ने सुना था मेरे को। तुम लोग वही वही ढूंढ रहे हो सब कुछ। क्या ढूंढ रही सुब्रा तू? मैम कुछ नहीं ढूंढ रही। क्या है, कभी राइट कभी लेफ्ट जा रही, कभी पीछे देख रही, कभी आगे देख रही, क्या करेगी? एक बात बताओ, तुमको मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में और मैप देखने में? एटलास मैम आ रहा है। आ रहा है मैम। एटलास इसके पास नहीं, वो कभी एंजॉय नहीं करेगा, नेवर। ये ढूंढने में जो मजा है ना, और मिल जाने पर जो खुशी, किसी का तुम्हारी बाल जो आंखों के ऊपर आए ना, उसको थोड़ा ऊपर कर दे। हाँ एक क्लिप लगाना ना बड़ा इधर, क्या सोच रहा है? ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन मिल रहा है? तुम बहुत गड़बड़ मामला है भाई। ऑन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट 1600 मीटर हो गया। अफ्रीका नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय द वेल्स। नेम का नेम बताओ, कौन सा कवर उसके द्वारा कवर हुआ है? वेल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन। ऑरेंज लिम्पोपो मिल गया मुझे तो, मिला बुक में ही। Some types of grass, let's do, covers grows on almost every surface of the earth. List names of places where you have observed the grass growing. For example, lawns, cricket fields, between cracks of the sidewalk, etc. आपने देखा अपने स्कूल में जो टाइल्स लगे हुए हैं आंगन में, या रोज गार्डन है, उसके बीच में तो घास होता है कि नहीं? देखा आपने फ्लैग पोस्ट के पास घास है, उसने बोला कहाँ सा देखा है? हाँ, let's do. Wales lie in the southern hemisphere when it is summer in Wales. What season would it be in the prairies? अरे प्रेरीज में कौन सा उस सीजन में ऐसा होता है? बोल रहा है, पूछ रहा है। विंटर, विंटर सीजन में कौन सा हवा चलती है? चिंकू। हॉट एयर। चिंकू नहीं यार, चिनूक। चिंकू कह दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? इट इज चिनूक, समझ में आ रहा है?
कितना बुद्धिमानी क्वेश्चन पूछा है, फिर भी तुम अभी पढ़ाया अभी भूल जा रहे हो, ये तो बहुत मामला गड़बड़ लग रहा है मुझे। 24 बच्चे थे, अब 21 हो गए, क्या होगा फिर? सब तो छोड़ के चले गए, अभी यहाँ कोई बच्चा आ है ही नहीं। दे ऑल ऑफ देम लेफ्ट एक्सेप्ट शुभ्रा एंड ऋषिका, बस। रेणुका की जब मन हो रहा है वो आ रही है, जब मन हो रहा है वो जा रही है। येल में खाली तुम्हारे घर में शुभ्रा लाइट नहीं जाती, बाकी बड़े बड़े लोगों के घर में लाइट जाती है, टेक्निकल इशू बोलते हैं। कुछ नहीं हो रहा है उधर, बस उनका घर में टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, और साड़ा में ऋषिका के पास कुछ नहीं हो रहा है, वो पूरा टाइम है। और रेणुका तो ऐसे करती है बस, आदमी पागल हो जाए। और अपना जेन्यून तो है आजकल, कम से कम उसका नाम लेना बार बार नहीं पड़ रहा है, शांति में रह रहा है, सुख में रह रहा है, भगवान तुझे सुख शांति दे जिंदगी में। चलिए अभी क्या हो गया, 40 हो गया क्या? मुझे कुछ दिख नहीं रहा इसलिए पूछ रही। अरे 41 हो गया 41 हो गए। है काफी टाइम नहीं, 41 हुआ है। चलिए चश्मे में कुछ नहीं दिख रहा, सब चश्मे पहन के नया लाना पड़ेगा। शांति शांति शांति। यू शुड ऑलवेज एंजॉय योर स्टडी। शुभ्रा अभी और क्लास है, कैसा मुंह बना रही है? पढ़ना नहीं अभी, इसके बाद कोई क्लास है किसी यस मैम है का? हिंदी हिंदी अरे वो तो घर में ही पढ़ लेगी, तो क्या नाम है उसका, शुभ्रा इलाहाबादी। बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम। सायरम मैम।